चलो बच्चों, आज हम लोग चालू करेंगे चेंजेस अराउंड अस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, सबसे मेन आधार क्या है चैप्टर का, वो सबसे जरूरी जानना है। क्या होता है कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। चेंजेस मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ, हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। हमें वो क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व। और ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, लिख लो, क्या चीज का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। हम अपने चारों तरफ जो चेंजेस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको नोट डाउन करते हैं और फिर वहां से कुछ ना कुछ हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए फायदे का होता है। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे सर कैसा चेंज, कैसा बदलाव। देखो, बदलाव की तो मैं अभी बता देता हूं। पहले तुम क्या थे, एक छोटे से नन्हे से मुन्ने थे जो मम्मी की गोदी में खेलते थे। अभी तुम लोग बड़े हो गए, पैर पे चलने लगे हो और बदमाशी करने लगे हो। तो ये जो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना से एक बड़ा बच्चा बना, ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ। क्या हुआ, ये एक चेंज हुआ। थोड़ा टाइम पहले तुम्हारे पापा का पेट होता था पतला, लेकिन पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो पापा का पेटू निकल गया है। ये जो पेट निकला, ये क्या है, ये बच्चों ये एक तरह से चेंज है। अब हम पूछेंगे क्यों निकला, वाई, क्या क्या इसके रीजंस है। अब इसको नॉर्मल कैसे किया जाए, ये सब हमारे क्वेश्चन कब अराइज होंगे, जब पहले हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई पेट मोटा हुआ है। अगर यही ऑब्जर्व नहीं करोगे कि पेट मोटा हुआ है, तब तक उसको ठीक कैसे करोगे। हाँ, एक और चेंज बताऊं, पापा घर में क्या लाते हैं, आटा या गेहूं। गेहूं से क्या बनाते हैं, आटा। आटा से मम्मी क्या बनाती है, लोई। और लोई से क्या बनाती है, रोटी। बच्चों रोटी से वापस गेहूं बना के दिखाओ, कोई नहीं बना सकता। रोटी से गेहूं कोई नहीं बना सकता। ठीक है, एक बात बता देता हूं, हमारे पास दो तरह के चेंज होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, क्या होता है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एग्जांपल दूं, फिजिकल चेंज होता है वाटर, आइस और फिर स्टीम। चाहे तो पानी को बर्फ बना दो, बर्फ से भाप बना दो, भाप से बर्फ बना दो, बर्फ से पानी बना दो, ये सब पॉसिबल है, मतलब रिवर्सिबल है। आप बर्फ से वापस पानी बना सकते हो, भाप से वापस से पानी बना सकते हो, भाप से पानी, पानी से भाप, पानी से आइस, आइस से पानी, पानी से आइस, आप चेंज बदल सकते हो। ये क्या है, फिजिकल मतलब रिवर्सिबल चेंज। तो सर केमिकल चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ रोटी। क्या रोटी से वापस आटा बना दोगे क्या, जाओ मम्मी से थोड़ी सी रोटी लेके आओ और बोलो मम्मी मेरे को इसको आटा बनाना है, बना ही नहीं सकते आप आटा। मतलब इर रिवर्सिबल चेंज, जो आप कभी भी नहीं बदल सकते। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देता हूं, क्या होता है, हम लोग नया कपड़ा खरीदते हैं, पहले हम उस नए कपड़े को खाली शादी में पहनते हैं, पार्टी में पहनते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद वो पुराना हो जाता है, उस कपड़े को हम फिर डेली पहनने लग जाते हैं, फिर उसमें एक छोटा सा होल हो जाता है और फिर हम उसको नाइट सूट में पहनते हैं, रात को पहनते हैं। ठीक है, फिर और थोड़ा सा और पुराना हो जाता है तो हम उसको होली में पहनते हैं, और जब होली में वो कलरफुल हो जाता है तो मम्मी उसका क्या बना देती है, पोछा। तो क्या है, हम लोग एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज किए, अब बाबू पोछा से नया कपड़ा बना के दिखाओ, पोछा से नया कपड़ा बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। ये क्या हुआ, एक कपड़े का चेंज हुआ और हमने इस चेंज को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो तो अभी चैप्टर पढ़ना चालू करें। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। सपोज आप डोरेमोन होते। डोरेमोन क्या करता है, अपने अंदर से अलग अलग गैजेट निकालता है, निकालता है गैजेट से क्या करता है, हवा में उड़ने लग जाता है, चीजों को खराब कर देता है, चीजों को अच्छा कर देता है, गेट निकालता है, कितनी सारी चीजें निकालता है, जिससे वो अपने चारों तरफ होने वाली चीजों में क्या करता है, बदलाव कर देता है, करता है। तो सपोज करो आपके पास ये पावर आ जाए कि आप अपने आसपास की चीजों को बदलने लग जाओ, तो कितना मजा आएगा, आप तो किसी भी चीज को बदल दोगे। जैसे
बच्चे की नाक देखो कितनी लंबी कर दी, आपने महल खड़ा कर दिया, आप राजा बन गए, आपने पेंसिल जादुई पेंसिल बनाई, आप हवा में उड़ रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। तो आप क्या चीज बदलना चाहोगे? अपने आंख नाक मुंह, ठीक है देखो। लेकिन हमारे पास ऐसी मैजिकल पावर नहीं है, होती तो फिर नोबिता डोरीमोन सिंचन ये सब कोई नहीं देखता, बिकॉज तब फिर हर बच्चा ही डोरीमोन होता। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, बट अभी भी हम में ताकत है कि हम कुछ कुछ चीजों को तो बदल सकते हैं, ठीक है हर चीज नहीं, कुछ तो बदल सकते हैं, परहैप्स मैनी थिंग्स, कुछ नहीं बहुत सारी चीजों को हम बदल सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? अब आपका काम है, आपको अपनी चारों तरफ ढूंढना है कि आप क्या चीज बदल सकते हो जिसमें कोई मैजिक नहीं, आप मेहनत करके उस चीज को बदल रहे हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, कोई कोई चीज ऐसी है जो अपने आप बदल रही है। जैसे आपने जमीन में बीज डाला, बीज से पेड़ बन गया, बीज से पेड़ बन गया, पेड़ में से पत्ती टूट के नीचे गिर गई, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है? अपने आप हो रही है। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्रॉप मतलब धान बदलती रहती है समय से। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री चेंज कलर एंड ड्राई आउट, क्या होता है पत्ता, बहुत सारे पेड़ में कुछ पत्ते हरे से पीले हो जाते हैं और पीले होने के बाद टूट जाते हैं। द फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे, पहले फ्लावर खिलता है, पहले फ्लावर खिलता है और फिर देन लोग उसको तोड़ भी देते हैं, ठीक है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपके शरीर में कोई बदलाव आ रहा है? अच्छा सबसे मजे की बात तो बताता हूं, आपके शरीर में भी बदलाव होते हैं। देखो आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, हर हफ्ते सर नाखून बढ़ जाते हैं, मम्मी रोज डांटती है नाखून काट लो नाखून काट लो, हाँ हर महीने बाल बढ़ जाते हैं, आपकी हाइट बढ़ने लग जाती है, आपका वजन बढ़ने लग जा रहा है, चेंज हो रहा है, तो बदलाव आपके अंदर हो रहा है। अपने तरफ नोटिस करना सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ाई आपकी जो है ना वो अपने चारों तरफ देखोगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समझा। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, क्या इससे पहले कभी ध्यान दिया था कि आपके चारों तरफ बदलाव हो रहे हैं? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टूगेदर, क्या मैं बहुत सारे चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकता हूँ? हाउ मेनी ग्रुप वेरियस चेंजेस इट माइट हेल्प, तो अब हमें क्या करना है, चेंजेस को ग्रुप करना है, ठीक है। अब देखो ये एक्टिविटी है, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, मतलब फुलाओ उसको, टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट बट फूटे ना, द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैज चेंज्ड, आपने क्या देखा कि बैलून पहले छोटा था और अब बैलून बड़ा हो गया, इसका क्या बदला, शेप बदला, इसका क्या बदला, साइज बदला और साथ साथ बैलून का वेट भी बढ़ गया। बच्चों बुक में लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, वेट बढ़ गया क्यों, क्योंकि एयर में भी वजन है और अब बैलून के अंदर क्या आ गई, एयर आ गई, तो एयर का वजन भी बैलून में जुड़ गया, तब बैलून का वजन भी बढ़ गया। दूसरा लेते हैं, पेपर लो और उसको फोल्ड करो, ठीक है, मतलब क्या बनाओ, एरोप्लेन बनाओ, चलो सच्ची में बनाओ। अब आप देखना, यू हैव चेंज द शीट ऑफ द पेपर इन टू अ टॉय एरोप्लेन, आपने एक पेपर को क्या बना दिया, खिलौना बना दिया। यू हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस, इस प्लेन को उड़ाने में आपको बहुत मजा आता है। वंस यू ट्राइड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, वापस से एरोप्लेन से अब क्या बना दो, पेपर, मतलब पेपर से एरोप्लेन बनाओ, एरोप्लेन से खेलो और खेलने के बाद वापस से उसे पेपर बना दो। तो ये कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या बोलता है कि तुम मुझे बदल सकता है, और केमिकल चेंज रोटी, रोटी को नहीं बदल सकते, पेपर को जला दो कभी बदल पाओगे? टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई रोल आउट अ रोटी, मे बी आर नॉट हैप्पी विथ इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक टू अ बॉल। ये हमारा गूथा हुआ आटा था, आटा से बनाई हमने रोटी, अच्छा रोटी का डिजाइन अच्छा नहीं बना, तो आपने क्या किया, वापस इसको हाथ से मोड़ के आटा में मिला दिया, तो ये वापस से क्या बन गया, डो बन गया, मतलब फिजिकल चेंज, समझ में आया। लेकिन वही अगर रोटी को सेक देता तो वापस इसमें मिल जाता क्या, नहीं मिलता, तब वो क्या बन जाता, केमिकल चेंज। अब एक्टिविटी 1 2 3,
अब आप बताओ इसमें क्या कॉमन है? बैलून फुलाया, वापस बड़ा बैलून, अब छोटा बैलून बन जाएगा। दूसरा, पेपर, जब आपने एरोप्लेन से पेपर बनाया, सेम साइज का था, डो सेम साइज का था, तो आप क्या कंक्लूड करोगे इस एक्टिविटी से? इट इज पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी, जिससे हमने अपना काम शुरू किया था, बदलाव होने के बाद भी हमने वही काम वही खत्म कर दिया। इफ द आंसर इज येट, इट मीन्स द चेंजेस ऑकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स, मतलब हम एक्टिविटी को वापस से बदल सकते हैं। जैसे बिना सेकी हुई रोटी वापस से हमने अपने आटे में मिला दी, लेकिन अब भीगा हुआ आटा को सुखा सकते हो, वो खराब हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा नया चीज देखते हैं। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 बोल रहा है कि आपने बैलून फोड़ दिया। अब फोड़ने के बाद क्या उसको वापस से ओरिजिनल बैलून बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। पेपर से एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन को काट दो, तो क्या वापस से पेपर बना दोगे? नहीं बना पाओगे। अब बोल रहा है कि रोटी को रोल करो और रोल करके उसको तवा पे सेको, रोल करके उसको तवा पे सेको। अब क्या सेकी हुई रोटी को इसमें मिला दोगे क्या? सर नॉट पॉसिबल, सेकी हुई रोटी को हम नहीं मिला सकते। सपोज यू आर आस्क द सेम 3 क्वेश्चन विच यू हैव आंसर्ड इन 3, तो हमने क्या देखा? इरिवर्सिबल। क्या देखा? इरिवर्सिबल। फटा हुआ बैलून नहीं बन सकता, कटा हुआ पेपर नहीं बन सकता पुराना, सिकी हुई रेटी आटे में नहीं मिल सकती। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वॉकिंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पोट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? मतलब आपने एक पोट बनाया क्ले से, क्या वापस से पोट को आप क्ले बना सकते हैं? ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन, उसने पोट की सुखाने के लिए उसने ओवन में उसको गर्म किया, क्या उसको आप रिवर्स कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? ये आपको करना है। क्या इडली से बैटर बना सकते हो? नो। वेट क्लॉथ को ड्राई क्लॉथ, यस। गीला क्लॉथ को सूखा दिए, सूखा को फिर गीला कर दो, ठीक है। गरम मिल्क, हॉट मिल्क कर सकते हो, ठीक है। मिल्क से पनीर बना दिया, पनीर से मिल्क बना सकते हो क्या? मम्मी से पूछना, ठीक है। बाकी आपका होमवर्क है, ये पूरा टेबल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या कोई और तरीका है चेंज लाके आने का? हाँ, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हम लोग जमीन खोदने के लिए ये सब हथियार इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल? ये देखो, आयरन मतलब लोहे का हिस्सा लकड़ी में जोड़ के रखा हुआ है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, इसमें क्या होता है? एक रिंग, मतलब ये देखो यहां पर ये जो है ना, इसी में क्या जुड़ता है? वुडन पार्ट जुड़ता है, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर वुडन पार्ट जाता है, क्लियर। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, क्या होता है? ये जो रिंग होती है ना, ये थोड़ी सी छोटी होती है वुडन हैंडल के मुकाबले। क्यों बाबू? ताकि जब वो हम लोग लकड़ी जबरदस्ती उसके अंदर फंसाएं तो वो आराम से निकले ना। द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, तो रिंग क्या होता है? जब हम उसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हीट करने से हमारा आयरन क्या हो जाता है? लोहा बड़ा हो जाता है। जब रिंग का साइज बड़ा हो गया गर्म करने से, अब हमने उसमें क्या कर दिया? लकड़ी घुसा दिया। और जब वो ठंडा हो गया तो वो अपने आप आयरन का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अब वो लकड़ी क्या हुई बाबू? हैंडल के अंदर फंस गई। क्लियर हो गया? यही बात यहां पर लिखी हुई है, रीड कर लेना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ द कार्ट, तो हम लोग क्या करते हैं? यही सारे मेथड यूज करते हैं कोई भी व्हील्स को, लोहे को, लकड़ी को फिक्स करने के लिए, ठीक है।
ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड, वही सेम बात है, गर्म कर दोगे लोहे को तो बड़ा हो जाएगा, ठंडा कर दोगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो व्हील में हमने लोहे की रिम लगानी है, तो इस रिम को जब मैंने बड़ा कर दिया, कैसे बड़ा किया, गर्म करके, तो जब बड़ा कर दिया तो इसके ऊपर आराम से फिट हो गया, फिर थोड़ा टाइम छोड़ दो वो अपने आप छोटा होके उसके अंदर छोटा हो गया, अब निकल नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखो चैप्टर 5, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर्स गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल्ड। पानी को भाप बना दो और भाप को वापस से पानी बना दो, कैसे, गर्म पानी उबालो और टोपिया के ऊपर प्लेट रख दो, तो देखो भाप जो है वो प्लेट के ऊपर पानी बन जाएगी, क्यों, क्योंकि अब वो ठंडी हो रही है, नीचे से तो गर्मी दे रहे हो ऊपर उसको ठंडी मिल रही है। ठीक है, आइस पिघल जाएगी जब उसको हम गर्म करेंगे, तो ये क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पानी को बर्फ, बर्फ को पानी, पानी को भाप, भाप को पानी हम बदल सकते हैं, ये क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, ये एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट द लेंथ विद द स्केल, कैंडल को नाप लो कितनी लंबी है, फिर कैंडल को जलाओ कुछ देर के लिए, फिर कैंडल को बुझा दो और फिर उसकी लंबाई नापो, आप क्या देखोगे कि जो कैंडल है वो थोड़ी सी छोटी हो गई जलाने के बाद। इफ यू टेक सेम सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस बी रिवर्स्ड। अब बताओ अगर हम एक पैन में थोड़ी सी वैक्स ले और उसको गर्म करें तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है, ये आपका होमवर्क है। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली, व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होता है बताओ, इंसेंस स्टिक होता है बाबू अगरबत्ती, जो लंबी स्टिक आती है ना अगरबत्ती की, हाँ, जिसको हम लोग यहां से जलाते हैं और धीरे धीरे धुआं छोड़ती है, तो थोड़ा देर में क्या निकालती है वो, ऐश, नीचे में राख निकलती है। तो बट हम इस चेंज को देख नहीं सकते, बट वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट वी कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल। क्या होता है, देखो अब इसके अंदर से एक ब्यूटीफुल सी स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आती है, क्या स्मेल देख सकते हो, नहीं ना, स्मेल आप खाली सूंघ सकते हो। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या राख से वापस से अगरबत्ती बना सकते हो, नहीं बना सकते। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस विच ऑकर्ड इन द मैचस्टिक, और माचिस का क्या, माचिस को जलाने के बाद क्या वापस माचिस बना दोगे, कभी नहीं बना पाओगे। ठीक है बाबू, यहां पर बात किया है कि अगर हम पानी में नमक मिला दें तो क्या उसको चेंज कर सकते हो, यस, हम लोग बाद में पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हैं। पानी में चीनी मिला दो, क्या अलग अलग कर सकते हो, कर सकते हैं सर, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है अच्छा, दही जमाने के बाद क्या दूध बना दोगे, कर्ड मतलब दही, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू द वार्म मिल्क, द मिल्क इज स्टिर्ड एंड सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। मम्मी को आज देखना मम्मी दही कैसे जमाती है, दूध को गर्म करती है फिर उसमें हल्का सा जामन देके उसको जमा देती है और कुछ घंटे बाद जो पूरा दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताओ दही से क्या दूध बना सकते हो, कभी भी नहीं बना सकते हो। तो ये चेंजेस क्या है, दीज आर नॉन रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल कौन सा चेंज होता है बच्चों, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। दो सामानों को मिला दो, गर्म कर दो, ठंडा कर दो, तो उससे क्या होता है, चेंजेस आता है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, और कोई चेंजेस ऐसे होते हैं जो इररिवर्सिबल होते हैं, कुछ को रिवर्स किया जा सकता है कुछ को नहीं किया जा सकता है। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं उसको बदल सकते हैं। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और ये पॉसिबल भी है कि हम कुछ कुछ चीजों को बदल सकते हैं। Thus, changes around us could be grouped as those can be reversed and cannot be reversed. तो हम लोग चेंजेस को दो भाग में बांटेंगे, which are reversed and which cannot be reversed.
इन हायर क्लास यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड दिस वेज विल बी ग्रुप। तो आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको बताया जाएगा कि हम इस चेंजेस को कैसे कर सकते हैं, कैसे ग्रुप कर सकते हैं, कैसे हम चेंजेस को चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपका होमवर्क है कि आप ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।